आज की वीडियो यह हमारा इन्वर्टर किट पर रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक किट है जो कि सुकैम का है, तो मेरा वीडियो आज सुकैम के कार्ड पर रिलेटेड रहने वाला है। तो ये एक साइनवेव इन्वर्टर कार्ड है, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फ्लैक्चुएसन करता है। तो मैं आज आपको कारण बताऊँगा किस वजह से ये फ्लैक्चुएसन करता है आउटपुट में। और आप देखते हैं सुकैम के इन्वर्टर में, साइनवेव में ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही लाइट कटती है उस समय आपका ये फ्लैक्चुएसन करना स्टार्ट कर देता है। तो किस कारण से होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इजी रहेगा ये तरीका, किस तरह आप सही कर सकते हैं बहुत ही कम पैसा खर्च करके। तो देख रहे हैं ये कार्ड है, तो ये आप साइनवेव कार्ड है, तो ये इसमें जो होता है ये रिले है मेन सेक्शन के लिए। तो हम लोग मेन सेक्शन में काम करने वाले हैं, तो इसलिए इधर फ्लैक्चुएसन का जहाँ होता है मेन सेक्शन में होता है, तो इसी एरिया में ये प्रॉब्लम आती है फ्लैक्चुएसन का। तो इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है, तो जैसे लाइट कटती है वो हमारा लाइट फ्लैक्चुएसन करना स्टार्ट करता है, भगभग करना स्टार्ट कर देता है, तो आपका ये इसमें प्रॉब्लम मिलती है। तो इसमें देख रहे हैं ये रिले है, ज़्यादातर ये रिले ख़राब हो जाती है, या रिले के बगल में एक ट्रांजिस्टर लगी रहती है वो ख़राब हो जाती है। ट्रांजिस्टर का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, तो ट्रांजिस्टर का हमारा नंबर रहेगा TC NL 100। ये वाला ट्रांजिस्टर मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं ये वाला TC NL 100 इसका नंबर है, जो कि बहुत हाई एम्पियर का ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ। तो ट्रांजिस्टर इसमें खराब होती है तो हमारी फ्लैक्चुएसन करना स्टार्ट कर देता है। तो और इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जो कि ये आप देख रहे हैं बूस्टर, ये बूस्टर के लिए यहाँ पर SMPS बना हुआ है जो कि बूस्ट करके आपको 12 वोल्ट देता है। तो ये इसमें जो देख रहे हैं NE555 ये ख़राब हो जाती है। तो हमारी जनरली इसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि हमारी ये ऐसी ख़राब हो जाती है, उस केस में ये हमारा फ्लैक्चुएसन करना स्टार्ट कर देता है। इसे आप निकाल लें, उसके बाद नया इंस्टॉल कर लें, वो हमारी सही हो जाएगी। यही ख़राब हो जाती है तो हमारा ये फ्लैक्चुएसन करना स्टार्ट कर देता है। सुकैम के इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा गया है साइनवेव वाले में। ये शाइनी मॉडल है, सुकैम का शाइनी मॉडल, इसमें ये प्रॉब्लम देखा गया है। ये आप चेंज कर दें, ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके साथ साथ ये ट्रांजिस्टर भी लगी रहती है, कुछ केस में हमारा ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाती है। ये दो ठो लगी हुई है, एक NPN है एक PNP है। ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाती है तभी हमारा फ्लैक्चुएसन स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ ये आप कैपेसिटर चेंज कर दें, इसमें ज़्यादातर ये भी प्रॉब्लम देखती है कि ये हमारी कैपेसिटर फूल जाती है, उस केस में ये हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे बूस्ट करके देता है वोल्टेज। या आप 12 वोल्ट जो देते हैं इसमें इनपुट देते हैं, ये हमारी 24 वोल्ट आउटपुट देने स्टार्ट करती है, जो कि ये देख रहे हैं LM7812 जो कि 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है, 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये हमारे LM ये देख रहे हैं 7805 इस पर आउटपुट देता है 5 12 वोल्ट। तो ये हमारा 7805 आउटपुट डिलीवर करता है माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट, तो हमारा सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से भी होती है। आप ये सब आप चेंज कर लेंगे, अगर आपकी ये सही नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट चेक करें कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर से पल्स दे रहा है कि नहीं, जो कि इसमें रिले के जो पल्स निकलती है वो पिन नंबर 23 से निकलती है। पिन नंबर 23 का रिले के ड्राइव है, रिले ऑपरेट होगा तो हमारा कट कट के आवाज़ मिलेगी ऑन ऑफ में, इन्वर्टर का ऑन ऑफ में। लाइट आती है तो कट करती है, लाइट जाती है तो कट करती है, तो आपको पता चलेगा ये रिले ऑन या ऑफ हो रहा है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 23 पर देख लें, ये हमारे इनपुट आ रही है, आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं। और इसी से LED कनेक्ट है, जो कि इन्वर्टर मोड के लिए होता है। तो ये देख लिए, इसे आप चेंज करें, ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा किस तरह ये फ्लैक्चुएसन करता है, और कैसे आप निकल के आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे।